वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट आई एम देवेंद्र चौधरी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस डिजीज ऑफ कॉटन लाइक एंथरेक्नोज ब्लैक आम एंड विल्ट हम टू टाइप के विल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे पहला है फ्यूजेरियम विल्ट और दूसरा है वर्टिसलियम विल्ट द डिजीज विल बी डिस्कस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स लाइक जल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम ईटियोलॉजी डिजीज साइकल फेवरेबल कंडीशन एंड मैनेजमेंट दिस इज फॉर द कोर्स डिजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट टू स्टार्ट करते हैं एंथरेक्नोज ऑफ कॉटन से एंथरेक्नोज एक फंगस से होता है जिसके एनामॉर्फ का नाम है कोल्टोट्राइकम कैप्सी और टीलोमार्फ का नाम है ग्लोमेरेला गोसिपी सिम्टम द पैथोजन इन्फेक्ट द सीडलिंग एंड कॉज डिंग ऑफ पैथोजन प्रोड्यूस स्मॉल रेडिस सर्कुलर स्पॉट्स ऑन द कोटालीड्स एंड प्राइमरी लीव्स। द लीजंस डेवलप ऑन द कॉलर रीजंस स्टेम्स एंड कॉजिंग द सिडलिंग टू विल्ट एंड डाई इन मेच्योर प्लांट्स

जैसे ये स्टेम है तो इसमें क्रैकिंग हो जाती है और इसका जो बार्क है छिलका है वो झड़ के गिरने लगते हैं द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज बॉल स्पॉटिंग स्मॉल वाटर सोक् सर्कुलर रेडिस ब्राउन डिप्रेस्ड स्पॉट्स अपियर्स ऑन द बॉल्स द लिंट इज स्टैंड टू येलो आर ब्राउन द इन्फेक्टेड बॉल्स सीज टू ग्रो एंड बस्ट एंड ड्राई अप प्री मेचोरली सो इसके लीफ में और स्टेम में रेडिश ब्राउन कलर के डिप्रेस्ड स्पॉट्स आते हैं मतलब कि यह स्पॉट्स धसे हुए होते हैं जो नॉर्मल प्लांट का सरफेस है उससे थोड़ा सा धसे हुए होते हैं और जब कंडीशन ड्राई हो जाता है उस समय ये जो स्पॉट्स हैं उसके सेंटर के टिशू टूट के गिरने लगते हैं और इस प्रकार से लीफ में होल्स बन जाते हैं ऐसे ही स्पोर्ट्स कॉटन के बॉल में भी आते हैं जिसके कारण से इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है इटियोलॉजी ऑफ कोलिडोट्राइकम कोलिडोट्राइकम बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेरोमाइकोटिना और इसके माइसिलियम सेप्टेड ब्रांच और डार्क होते हैं डार्क मतलब कि ब्लैक कलर के होते हैं इनके सेल वॉल में एक केमिकल होता है मिलेनिन जिसके कारण से ये डार्क होते हैं द माइसीलियम ऑफ द फंगस इज लोकलाइज्ड इन द स्पॉर्ट्स जहां पर स्पॉर्ट्स आते हैं वहीं पर ही इसके माइसिलियम प्रेजेंट होते हैं यह सिस्टमिक नहीं होते हैं एसेक्सुअल स्पोर कोनीडिया बनता है जो कि हाईलाइन सिंगल सेल्ड और फॉल्केट सेप का होता है एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एसरवुलस बनता है इसके एसरवुलस में सिटी प्रेजेंट होता है और मोस्टली ये प्लांट के इपिडर्मस में बनते हैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पेरीथीसिया बनता है जो कि पीएल सेप का होता है और लिप सीथ में बनता है आल्सो प्रोड्यूस क्लेमाडोस्पोर, क्लेमाडोस्पोर सो ये क्लेमाडोस्पोर सर्वाइवल के लिए होते हैं और अगर हम फंगस को आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं पीडीएम मीडिया में तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है ये है एसरवुलस और इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर फोर होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का यह है सिटी और यहां पर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं यह जो स्पोर्स होते हैं वो फालकेट सेप के होते हैं डिजीज साइकल इट इज सीड बॉन्ड डिजीज एंड सेकेंडरी स्प्रेड बाय एयर बॉर्न कॉनिडिया थ्रू रेन फ्लाइस एंड अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसमिनेशन ऑफ द स्पोर्ट्स सो सेकेंडरी स्प्रेड रेन के कारण विंड होता है पैथोडन सर्वाइव इन दीड्स एंड क्रॉप डेवरीज एज कोडिया फिर अगले सीजन में यह इंफेक्शन करता है कहां पर सिडलिंग्स में लिप्स में स्टेम्स में और बॉल्स में सिम्टम डेवलप होता है फिर से यह कोनी बनाते हैं ये कोनीडिया विंड्स रेन या दूसरे इंसेक्ट के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में स्प्रेड होते हैं और इसे सेकेंडरी इंफेक्शन साइकिल कहते हैं बाद में ये क्रॉप डेबरिस में सर्वाइव करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर 28 टू 32 टू डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95 फाइव परसेंट हाई ह्यूमिड कंडीशन इंटरमीडियंट रेन ससेप्टिबल वेराइटी मैनेजमेंट इसके मैनेजमेंट के लिए भी हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि समर डीप प्लोइंग एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडरमा एंड सोडोमोनास क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड्स ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स विथ कैप्टान एंड थायरम अवॉइड इंटर क्रॉपिंग विथ ससेप्टिबल टर्मेरिक कल्टीवर्स कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनेशियस वीड्स स्प्रे ऑफ द केमिकल्स लाइक कैप्टॉन एंड मैंकोजेव थ्री टाइम इन फिफ्टीन डेज इंटरवल अब हम देखते हैं ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज ब्लैक आर्म इज कॉज बाई अ बैक्टीरिया जेंथोमोनास कंपेस्ट्रीज पैथोवर मालवेसियरम सिम्टम द बैक्टीरिया अटैक ऑल स्टेज फ्रॉम द सीड टू हार्वेस्ट एंड यूजली कॉमन फेज ऑफ द सिमटम्स आर नोटिस्ड लाइक सिडलिंग ब्लाइट एंगुलर लिप स्पॉट विन ब्लाइट आर विन नेक्रोसिस और ब्लैक ब्लैक आर्म स्क्वायर रॉट आर बॉल रॉट सो जब इंफेक्शन सिडलिंग में आता है और सिडलिंग मर जाता है तो उसे कहते हैं सिडलिंग ब्लाइट अगर इन्फेक्शन लिफ में आते हैं और इसके जो स्पॉट होते हैं वो थोड़े एंगुलर होते हैं तो उसे कहते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट और अगर सिम्टम्स विंस में आते हैं जैसे कि ये लीफ है लीफ के विंस में आते हैं तो उसे ब्लैक विंस कहते हैं और अगर ये इंफेक्शन स्टेम्स में आते हैं और ये काला पड़ जाता है जो इसका स्टेम इस है वो काला हो जाता है तो उसे कहते हैं ब्लैक आर्म और जब इन्फेक्शन बॉल्स में आते हैं तो उसे बॉल रॉट या स्क्वायर रॉट कहते हैं एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे पहला है सिडलिंग ब्लाइट स्मॉल वाटर सोक सर्कुलर और इेगुलर लीजंस डेवलप ऑन द कोटेलिडन लेटर द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द स्टेम्स थ्रू पेटियोल एंड कॉज विदरिंग एंड डेथ ऑफ द सिडलिंग जब कॉटन का प्लांट छोटा होता है उस समय ये कोटेलिडन्स लीफ में या कोटेलिडन में इंफेक्शन करते हैं वाटर सॉक्ट लीजन बनता है और यह इन्फेक्शन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ता है इस प्रकार से पूरा पौधा मर जाता है एंगुलर लीफ स्पॉट स्मॉल वाटर सोक्ड एरिया डेवलप ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इट इन लार्ज एंड बिकम एंगुलर वेन रिस्ट्रिक्टेड बाई विंस एंड विंडलेट सो ये जो कॉटन है वो डाईकोट होता है और इसमें रेटिकुलेट वेनेसन मिलता है जैसे कि ये एक विंस हो गए फिर ये फिर ये इस प्रकार से ब्रांचिंग होती है तो अगर यहां पर इंफेक्शन होगा बैक्टीरिया का तो यहां से इधर बढ़ेगा इतने तक बढ़ता है इस प्रकार से इसका जो शेप होता है वो एंगुलर हो जाता है इसीलिए इसे एंगुलर लिप स्पॉट कहते हैं स्पॉट्स आर द विजिबल ऑन द बॉथ सरफेस ऑफ द लिप्स एज द लीजन बिकम ओल्डर दे टर्न टू रेड ब्राउन एंड इन्फेक्शन स्प्रेड टू विंस एंड विन सो जो लीफ में इन्फेक्शन आता है वो पहले लोअर सरफेस में आता है बाद में इसका साइज बढ़ता है लेकिन बैक्टीरिया का मूवमेंट पौधे के विंस के द्वारा रोक दिया जाता है इसीलिए इसका सेप एंगुलर हो जाता है और ये स्पॉट्स दोनों तरफ से दिखाई देते हैं बाद में इनका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और यह विंस में और विनलेट में स्प्रेड होने लगते हैं Black veins. The infection of the veins cause blackening of the wings and windlets, give a typical blightening appearance. On the lower surface of the leaf, bacterial ooze out and form crushed or scales. The affected leaves become crinkled and twisted inward and showing withering. The infection also is spread from veins to petiole and cause blightening. लीडिंग टू डिफोलिएशन पहले यहाँ पर लीफ में इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया वेंस में चले जाता है लीफ वेन ये जो दिखाई दे रहा है ये है वेंस बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण ये जो वेंस होते हैं फिर काले पड़ जाते हैं तो इस प्रकार से ये सब ऐसे ब्लैक हो जाता है इसी को कहते हैं ब्लैक वेंस बाद में जब बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो सरफेस है वो मुड़ा हुआ हो जाता है इसमें कर्लिंग हो जाती है और ऐसे पत्ते फिर समय से पहले गिर जाते हैं और इन्फेक्टेड पोर्सन से जो बैक्टीरिया है वो बाहर आते हैं और बाहर में ये जम जाते हैं जो हमें क्रस्ट या स्केल के रूप में दिखाई देते हैं ब्लैक आर्म ऑन द स्टेम एंड फ्रूटिंग ब्रांचेस डार्क ब्राउन टू ब्लैक लीजेंस आर फॉर्म्ड विच में गडल द स्टेम गमोसिस अकर्स रिजल्टिंग इन द ब्रेकिंग ऑफ द स्टेम सो जब इंफेक्शन स्टेम्स में होते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं और यहां से गमोसिस होती है यहां से गम बाहर आते हैं जिसके कारण से यह जो स्टेम्स है वो ब्रेक हो जाते हैं जगह जगह पर यह टूट जाते हैं स्क्वायर रॉड या बॉल रॉड ऑन द बॉल वाटर सॉल्व लिजन अपियर एंड टर्न इन टू डार्क ब्लैक एंड सनकन इरेगुलर स्पॉट्स, द इन्फेक्शन स्लोली स्प्रेड टू द इंटायर बॉल्स एंड द थ्रेडिंग अकर्स सो जब कॉटन के बॉल्स में इन्फेक्शन होता है तो पहले वाटर शोड लीजन बनते हैं बाद में इसका कलर ब्राउन से ब्लैक हो जाता है यहाँ पर ऐसे सनकन एरिया बन जाते हैं और ये जो रॉटिंग है पूरे बॉल्स में फैल जाती है जिसके कारण से ऐसे इन्फेक्टेड बॉल्स गिर जाते हैं यह है सिम्टम एंगुलर लिप स्पॉर्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पॉट्स हैं वो सर्कुलर नहीं है ये एंगुलर है इसीलिए इसका नाम है एंगुलर लिप स्पॉट ये वाला जो सिम्टम है ये है ब्लैक आर्म का और ये जो सिम्टम है यहां पर ये जो वेन्स है वो ब्लैक हो गए हैं तो ये है ब्लैक वेन का ये है सिम्टम बॉल रॉट का इसमें बॉल्स में रॉटिंग हो गई है और यह सिम्टम कोटेलिडन या सिडलिंग ब्लाइट का यह सिडलिंग लीफ है पहले वाटर सोक लीजन बनते हैं यह पूरा फैल जाते हैं और सिडलिंग में ब्लाइटनिंग हो जाता है यह है सिम्टम ब्लैक वेन्स का इथियोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया यह कहाँ बिलोंग करता है बैक्टीरिया किंगडम में इसका ग्राम स्टैंड क्या है नेगेटिव सेल सेप होता है रॉड सेप का इसका सेल का होता है और इसमें एक ही फ्लेजिला प्रेजेंट होता है जिसे मोनोट्राइकस फ्लेजिला कहते हैं इसमें रेस्पिरेशन एरोबिक होता है मतलब इसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कॉलोनी एक्स्ट्रा कलर की या येलो कलर की होती है और डिफ्यूज होती है यह है बैक्टीरिया का सेल जो कि रॉड सेप्ड है और इसमें एक फ्लेजिला प्रेजेंट है मोनोट्राइकस फ्लेजिला ये है इसकी कॉलोनी जो कि येलो कलर की है और ये डिफ्यूज है कहने का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये इंटेक्ट नहीं है ये थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि ये म्यूकस सीक्रीट करते हैं जिसके कारण से इसकी कॉलोनी डिफ्यूज रहती है डिजीज साइकिल इसका डिजीज साइकिल बहुत इजी है जो कि अदर लिप स्पॉट जो पैथोजन है उन्हीं के जैसे होती है जैसे कि पैथोजन क्रॉप डेब्रीज में सर्वाइव करते रहता है अगले सीजन में जब प्लांट्स लगाया जाएगा Osionfish. तो वोस के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा या लेंटिसल के द्वारा ये पैथोजन प्लांट्स के अंदर इंटर करता है वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पर अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप के सिम्टम शो करता है फिर ये बैक्टीरिया प्लांट के सेल में मल्टीप्लाई होते हैं और ये ऊज के द्वारा बाहर आते हैं फिर ये जो ऊज होते हैं वो विंड्स के द्वारा या या रेंस के द्वारा दूसरे प्लांट्स में दूसरे लीफ में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में जब क्रॉप खत्म हो जाता है तो ये क्रॉप डिग्रीज में जीवित रहते हैं फेवरेबल कंडीशन इसके लिए 28 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए 85 परसेंट से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए अर्ली सोइंग डिलेट थिनिंग पुअर टिलेज एंड लेट इरीगेशन पोटेशियम डेफिशिएंसी इन द सॉइल एंड रेन्स फॉलोड बाई ब्राइट सनलाइट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवम्बर सो so, ये सब कंडीशन डिजीज के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है मैनेजमेंट बैक्टीरिया के इस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि समर डीप फ्लोइंग एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर एप्लीकेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स लाइक सोडोमोनास फ्लोरोसेंस डीलिंटिंग ऑफ द कॉटन सीड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीलिंटेड सीड थ कार्बोक्सिन ऑक्सी कार्बोक्सिनटेप्टोमाइसिन सल्फेट रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट रोगिंग ऑफ द वॉलंटियर कॉटन प्लांट्स एंड वीड होस्ट जैसे कॉटन का सीड है तो सीड के चारों तरफ ऐसे लिड्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे लिड्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं इसीलिए इसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हमें डुबा कर रखना चाहिए इससे ये जो लिंडस होते हैं वो हट जाते हैं उसके बाद इस डिलिंटेड सीड्स को कार्बोक्सिन ऑक्सीकार्बोक्सिन या यान से ट्रीट करना चाहिए और उसे इनके सॉल्यूशंस में ओवरनाइट रखना चाहिए इससे क्या होगा जो भी बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है वो मर जाएगा फॉलो क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट अर्ली थीनिंग एंड अर्ली ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पोटास इन द सॉइल ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक खंडवा टू एंड बदनावर वन स्प्रे ऑफ द मिक्सचर ऑफ केमिकल्स लाइक स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर हम इसका स्प्रे करेंगे तो जो बैक्टीरिया प्लांट्स में प्रेजेंट है उनका पॉपुलेशन कम होगा अब देखते हैं विल्ट डिजीज ऑफ कॉटन कॉटन में टू टाइप के विल्ट होते हैं पहला है फ्यूजेरियम विल्ट जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीसपोरम फर्मा स्पेशलिस्ट वास इन्फेक्टम से होता है और दूसरा है वर्टिसलियम विल्ट जो कि वर्टिसलियम डहेली से होता है दोनों को एक एक करके देखते हैं पहले देखते हैं फ्यूजेरियम विल्ट जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं जो विल्ट डिजीज होता है वो क्यों आती है जो विल्ट डिजीज है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे क्रॉप्स में आती है सो so, आपको ये आइडिया जरूर हो गया होगा कि विल्ट डिजीज कैसे डेवलप होता है और इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं अभी हम देखते हैं कि कॉटन में विल्ट डिजीज कैसे डेवलप होता है अर्लिएस्ट सिम्टम्स अपीयर्स ऑन द सीडलिंग इन द कोटेलिडन विच टर्न येलो एंड देन ब्राउन सो पहले जो सिडलिंग होती है स्मॉल सिडलिंग्स उसके कोटेलिडन के लीव पहले पीले पड़ जाते हैं और फिर ब्राउन कलर के हो जाते हैं द बेस ऑफ दोज ब्राउन रिंग फॉलोड बाय विल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ़ द सिडलिंग ऐसा स्टेम जहां पर लीफ बनता है उसे कहते हैं पेटियोल सो so, पेटियोल के बेस में ब्राउन कलर के रिंग्स बनते हैं उसके बाद ये पूरा पौधा मर जाता है इन यंग एंड ग्रोन अप प्लांट द फर्स्ट सिम्टम इज येलोइंग ऑफ द एजेस ऑफ द लीफ्स एंड एरिया अराउंड द विंग प्लांट्स में जो येलोइंग होती है वो लीफ के किनारे किनारे में होती है द लिप्स लूज देयर टर्जिडिटी ग्रेजुअली टर्न ब्राउन ड्रूप एंड फाइनली ड्रॉप ऑफ सिम्टम स्टार्ट फ्रॉम द ओल्डर लिप्स फॉलोड बाई यंगर वंस वर्ड द टॉप फाइनली इन्वॉल्विंग द ब्रांचेस एंड द होल प्लांट द वस्कुलर सिस्टम ऑफ इंफेक्टेड प्लांट ब्राउन डिस्कलरेशन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं जो विल्ट पैथोजन होता है प्लांट्स के जाइलम्स में मल्टीप्लाई होता है जिसके कारण से इसमें वाटर का एब्जॉर्बन अच्छे से नहीं होता है और नीचे की पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं बाद में ऊपर के पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं और फिर पूरा पौधा सूख जाता है अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट के रूट्स को काट कर देखेंगे तो हमें ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देता है यह है सिम्टम्स जो कि लीफ में दिखाई देता है जो लीफ है वो किनारे से पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है और और इसके वस्कुलर टिश्यूज में डिस्कलरेशन दिखाई देता है फाइनली जो प्लांट्स है वो पूरी तरीके से मर जाता है अब देखते हैं फ्यूजेरियम का इटियोलॉजी सो इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं ब्रांचड होते हैं और लाइट पिंक कलर के होते हैं और ये सब डिविजन ड्यूटेरमाइक्टिना को बिलोंग करता है इसमें दो प्रकार के कोनीडिया बनते हैं मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया मैक्रोकोनिडिया बोट सेप के होते हैं हाई लाइन होते हैं मतलब रंगहीन होते हैं और लंबे होते हैं और सेप्टेड होते हैं और इसका जो टिप है वो ऐसे पॉइंटेड रहता है माइक्रोकोनीडिया स्मॉल होते हैं मुड़े हुए होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं और इसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोडोकियम बनते हैं और इस में जो कोनिडियोफोर फोर होते हैं वो सिंपल और छोटे होते हैं इसमें क्लेमाडोस्पोर्स भी बनता है ये क्लेमाडोस्पोर्स सर्वाइविंग स्ट्रक्चर है मतलब कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आता है तापमान ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है जिसके बाद इसके जो मैक्रोकोनिडिया हैं वो क्लेमाडोस्पोर्स बनाते हैं जो कि स्फेरिकल होता है और थिक वाल्ड होता है डोस्पोर के जो वॉल होते हैं वो मोटे होते हैं जो इसे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं यह है इसका माइक्रोकोनिडिया स्मॉल इस है कर्व है और यह है मैक्रोकोनिडिया जो कि सेप्टेट है और इसका जो टिप है वो पॉइंटेड है फिर इसी मैक्रोकोनिडिया के कुछ सेल में थिकनिंग हो जाती है इसके सेल वॉल मोटे हो जाते हैं और ये क्या कहलाता है रेमाडोस्पोर और यह है इसका स्पोरोडोकियम इस और इसमें बहुत सारे कोनेडियो फोर हैं और इसमें यह बहुत सारे बनते हैं. फेवरेबल कंडीशन सॉइल टेम्परेचर अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड हॉट एंड अ ड्राई पीरियड फॉलोड बाई रेन्स हैवी ब्लैक सॉइल विथ एल्केलाइन रिएक्शन मतलब कि ब्लैक सॉइल जिसमें पीएच ज्यादा होता है उसमें यह इंफेक्शन ज्यादा होता है एंड इंक्रीज डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में देते हैं तो डिजीज भी ज्यादा आती है अब देखते हैं वर्टिसलियम विल्ट के बारे में यह जो विल्ट है इसके सिम्टम में कुछ डिफरेंस है द सिम्टम्स आर सीन वेन द क्रॉप इज इन स्क्वायर एंड बॉल स्टेज सो फ्यूजेरियम विल्ट किसी भी स्टेज में आता है लेकिन वर्टिसलियम विल्ट जब प्लांट मेच्योर हो चुका है उसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और फ्रूटिंग हो रही है उस कंडीशन में ज़्यादा आता है प्लांट्स इन्फेक्टेड एट अर्ली स्टेज आर सीवियरली स्टंटेड अगर सिम्टम थोड़ा जल्दी आता है तो पौधे का बढ़वार रुक जाता है और वो बोना रह जाता है द फर्स्ट सिम्टम कैन बी सीन एज ब्राउजिंग ऑफ द विन्स जो लीफ विन्स होते हैं उसमें ब्राउन्जिंग हो जाती है मतलब कि उनका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है फॉलोड बाई इंटरवीनल क्लोरोसिस एंड येलोइंग ऑफ द लिप्स पहले ये जो लिप विन्स होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इंटरवीनल क्लोरोसिस होती है जैसे ये ये एक विन हो गया और ये एक विंस हो गए इनके बीच में ये जो लिप लेमिना है उसमें येलोविंग हो जाती है इसी को कहते हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस फाइनली द लिप्स बिगिन टू ड्राई गिविंग अ स्क्रोच अपियरेंस बाद में जो पूरा पत्ता है वो ड्राई हो जाता है एट दिस स्टेज द करेक्टरिस्टिक्स डायग्नोस्टिक फीचर्स इज ड्राइंग ऑफ द लीफ मार्जिन एंड एरिया बिटवीन द विंगस विच गिव्स अ टाइगर स्ट्राइप और टाइगर क्ला अपीयरेंस अगर कॉटन में वर्टीसीलियम का इन्फेक्शन होता है तो इसके लीफ में एक स्पेसिफिक टाइप का जो सिम्टम है वो दिखाई देता है जैसे कि ये लीफ है तो पहले इसके विंस ब्राउन पड़ जाते हैं और विंस के बीच का जो जगह है लेमिना है वो येलो हो जाता है बाद में ये सूख जाता है तो इस प्रकार से जब पैटर्न बनता है तो उसे टाइगर स्ट्राइप या फिर टाइगर क्ला सिम्टम कहते हैं अफेक्टेड लीव्स फॉल अप लिविंग द ब्रांचेस बैरन इन्फेक्टेड स्टेम्स रूट्स वेन स्प्लिट ओपन शोज अ पिंकिज डिसकलरेशन द इन्फेक्टेड लीफ ऑल्सो शोज ब्राउन स्पॉट्स एट द एंड ऑफ द पेटियोल्स द अफेक्टेड प्लांट मे बीयर अ फ्यू स्मॉल बॉल्स विथ इमेच्योर लिंट सो फ्यूजेरियम के केस में पूरा पौधा मर जाता है लेकिन वर्टीसीलियम के केस में पौधा पूरी तरीके से नहीं मरता है इसमें बॉल्स बनते हैं जिनका साइज कम रहता है और फ्यूजेरियम के केस में जो स्टेम है उसमें ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन होता है लेकिन वर्टिसलियम के केस में पिंक कलर का डिस्कलरेशन हमें दिखाई देता है इथियोलॉजी ऑफ वर्टिसलियम वर्टिसलियम बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेरो इट हैज हालाइन सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम इट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर्स कोनीडिया एंड कोनीडिया आर सिंगल सेल्ड हालाइन स्पेरिकल टू ओवल एंड बॉर्न सिंगली इन द वर्टीसीलिएट कोडियो फोर सो so, इसका जो कॉनिडियो फोर होता है वो वर्टिसलिएट होता है इसे कहते हैं वर्टिसलिएट कोडियोफोर ये है कोनिडियोफोर और इसमें ब्रांचिंग होती है और फिर इसके ऊपर में बहुत सारे कोनीडिया बनते हैं वर्टिसिलियम प्रोड्य। ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोड्य। प्रोड्य। माइक्रोस्लेरोसिया विच आर ग्लोबस टू ऑबलोंग सो इसके जो स्क्लेरोसिया होते हैं उनका साइज छोटा होता है इसीलिए इसे माइक्रोस्लेरोसिया कहते हैं यह है माइक्रोस्लेरोसिया जो कि सिंपल एग्रीगेशन होता है माइसिलियम का इसका साइज छोटा होता है इसीलिए इसे माइक्रोस्क्लेरोसिया कहते हैं यह है इसकी कॉलोनी जो कि व्हाइट कलर की, की दिखाई देती है और यह है इसके स्पोर्स और यह है कोनिडियोफोर। यहाँ पर जो कोनिडियोफोर का टिप होता है उसमें इस प्रकार से पैटर्न पाया जाता है इसी को कहते हैं वर्टिसलियट कोनीडियोफोर और इसीलिए ही इस फंगस का नाम पड़ा है वर्टिसिलियम फ्यूजेरियम और वर्टीसीयम का जो डिजीज साइकिल है वो दोनों सेम है और जो कि इस प्रकार है पैथोजन यहाँ सर्वाइव कर रहा है सॉइल में फिर अगले साल जब क्रॉप लगाया जाएगा तो उसके रूट्स में इन्फेक्शन करता है वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में मल्टीप्लाई होते हैं और वाटर के ट्रांसलोकेशन को कम करते हैं जिसके कारण से हमें सिम्टम दिखाई देता है फिर जाइलम और फ्लोएम में ये फंगस मल्टीप्लाई होते हैं बहुत सारे क्वनीडिया बनाते हैं अब ये क्वनीडिया वाटर के द्वारा या फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन के समय एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते हैं और फिर नए नए प्लांट्स को इन्फेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में ये पैथोजन क्लेमाडोस्पोर्स बनाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द विल्ट डिजीज हमें विल्ट डिजीज के मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स विद कार्बेंडाजीम टू ग्राम पर के जी रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, समर डीप प्लोइंग एप्लीकेशन ऑफ एफ आई एम आर कंपोस्ट फॉलो क्रॉप रोटेशन फॉर एटलीस्ट थ्री ईयर अवॉइड लेट सीजन इरीगेशन सॉयल सोलिराइजेशन इन हॉट समर डेज एंड ड्रेंचिंग अप केमिकल्स लाइक बेनोमिल एंड कार्बेंडाजीम

Thanks for watching the video till end, we will meet again in next video.